हाय हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो ये है डिस्कवर 135 ओल्ड मॉडल का जो बोर किट है, इसको शोरूम का हम निकाल के तुमको बता देते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि शोरूम से जो आयल रिंग आती है, पिस्टन रिंग आते हैं, उसकी टाइमिंग कैसी रहती है, जब बोर कर रहे हैं उसको जो पिस्टन रिंग हम कैसे बिठा रहे हैं, शायद सही बिठा रहे हैं या गलत बिठा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर पूरी से पूरी जानकारी दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों आप देख सकते हो ये पल्सर 135 की बोर किट है, इसकी पिस्टन हम बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों उसके बाद तुमको बता देते हैं शोरूम से जो रिंग आते हैं कैसे आते हैं। उसके बाद में दोस्तों इस रिंग को तुमको मैं बाहर को ही निकाल के बाद में सेटिंग करके बताऊंगा। आप देख सकते हो दोस्तों इसके पिस्टन की जो बुश है उसको हम बाहर को निकाल लिए। देख सकते हो जो टॉप की रिंग है, पहले वाली रिंग है, उसकी जो टॉप में जो निशाने रहते तल्ले वाल का है, आप देख ही सकते हो दोस्तों ये साइलेंसर की जो रिंग है वो पहले वाली रिंग है जो साइलेंसर की तरफ है, उसको हम निकाल लेते हैं। देख सकते हो वो साइलेंसर वाले की तरफ की है। और दूसरी रिंग जो आती है सेंटर वाली, जो टॉप रिंग है, उसको भी हम निकाल लेते हैं। दोस्तों वो है छोटे वाल की तरफ, इसका मतलब है कारपेंटर की तरफ जो रिंग है उसको भी हम हटा लेते हैं। उसके बाद में बाहरी आती है दोस्तों जो आयल की रिंग और उसके ऊपर के जो छोटे रिंग होते हैं उसको हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो ये एक रिंग है जो पिस्टन की तरफ में, जो पिस्टन का बुश भेड़ता है उस तरफ में एक रिंग है, देख सकते हो। उसके बाद में और एक रिंग है वो अगले पीछे की कुदन जो पिस्टन वाला जो बुश है उसकी तरफ है। और बाहरी आती है आयल रिंग या एम की तरफ में है या डब्ल्यू की तरफ में है, ये जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग। आप देख ही सकते हैं दोस्तों ये है, ध्यान से देखो तो मेरा कैमरा थोड़ा बराबर नहीं है दोस्तों। ये है एम की तरफ में, इसका मतलब है जेंट उल्टा नहीं है, सीधा है, सीधे की तरफ में है दोस्तों। अब इसको हम अच्छे से बिठा के तुमको बता ही देंगे दोस्तों। आप देख सकते हो जो शोरूम के बोर किट में जैसा टाइमिंग आवा है उसी टाइमिंग में तुमको मैं बता देता हूँ कैसे बिठाना है। आप देख सकते हो इसको हम पहले डाल लेते हैं। ये जो आयल रिंग थी जो साइलेंसर के ऊपर के जो है सुराख है चारों, उसके बीच के एक सुराख में थी। उस बाद में दोस्तों एक तल्ले वाली रिंग तो थी पिस्टन के बुश की कुदन, और दूसरी वाली थी पिस्टन के बुश के लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हो। अब बारी आती है टॉप वाली जो रिंग रहती है, दो नंबर की टॉप रिंग रहती है वो आई है, देखे थे ना उसमें पहले, वो थी कारपेंटर की तरफ, मतलब कारपेंटर की तरफ उसका निशानी था। और उसके बाद में बारी आती है दोस्तों टॉप वन रिंग, वो साइलेंसर की तरफ था दोस्तों। यही इसकी टाइमिंग असली होती है दोस्तों, अगर इसमें कोई गड़बड़ी ना है। अगर हमारे वीडियो के अंदर तुमको जानकारी मिली है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हमारे वीडियो के अंदर कोई गलती है तो कमेंट में जरूर बताएं।